अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कासिम बात कर रहा हूँ बिश्केक किर्गिस्तान से। जैसा कि आपको मालूम है कि हम 24 घंटे से एक अजियत के अंदर मुबतला हैं। हम ऐसी अजियत में मुबतला हैं ना हम अपने फ्लैट से बाहर जा सकते हैं और जो सिचुएशन है वो मजीद से मजीद तर खराब होती जा रही है। अभी भी हमें अपने दोस्तों से, अपने ग्रुपमेट से कॉल रिसीव हो रही है कि उन पर तशद्दुद जारी है। अभी भी यहाँ के जो लोकल्स हैं वो फ्लैट्स के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर घुसकर उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। और एम्बेसी ने हमारे साथ अभी तक कोई कॉन्टेक्ट में नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक नंबर जारी किया हुआ है और हम किसी इंफॉर्मेशन से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। और इतना तशद्दुद किया गया है, उन्होंने लड़कों के ऊपर तशद्दुद किया ही किया है, गर्ल्स को अलग से हरास किया है। सुनने में आया कि उनके साथ रेप भी हुए हैं, ऐसे हादसात सुनने में आ रहे हैं। लेकिन हम इस टाइम फ्लैट में बंद होकर रह चुके हैं, ना हमें पानी दिया जा रहा है, हम ना कुछ कर पा रहे हैं, ना हमें खाना खाया हमने सुबह से, हम बस एक फ्लैट में बंद होकर रह गए। काइंडली मेरी गुजारिश है उकामे बाला से कि 24 घंटे हो चुके हैं, हम नीचे दुकान तक नहीं जा सकते, हम जिस अजियत से गुजर रहे हैं, खुदारा हमारे ऊपर तरस खाएं और हमें इस मुसीबत से निकालें, हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, यहाँ की पाकिस्तान आर्मी को इन्वॉल्व किया जाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया जाए और काइंडली हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। थैंक यू।